में इसकी चंद दोस्तों आम का सीजन है तो मुरब्बा या अचार या कुछ भी ऐसी आम से रिलेटेड चीजें ना बनाए तो कुछ नहीं किया। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कच्चे आम के करी का मुरब्बा। तो चलिए मुरब्बा बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो आम लिया है, उसे लंबाई में ऐसे काट दिया है आप देख सकते हैं। और चीनी हमने यहाँ पे 300 ग्राम ली है। एक दालचीनी का टुकड़ा है आप देख सकते हैं 1 इंच का, और 2 इलायची है, छोटी इलायची, हरी इलायची जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे बादाम को थोड़ा हमने कट कर लिया, और यहाँ पे कटी हुई गरी है, नारियल और लेमन जूस। तो चले करी का मुरब्बा बनाने के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्टील की पतीली ऐसे ली है। करीब 2 गिलास के करीब हम इसे पानी डालेंगे। पानी हमारा पहले से गर्म था। करीब ये पानी 2 गिलास के करीब है। अब हम इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 15 मिनट बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। चलिए 15 मिनट हमारे हो चुके हैं, देखते हैं हमारे केवी कहाँ पहुंचे। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। माशाल्लाह देखिए हमारी केवी गल चुकी है। अब इसका पानी हम छान लेते हैं। इसको हम छान लेंगे अच्छे से। और जो हमारी केरी है इसे हम वापस ट्रांसफर करेंगे इसी पतीली में। और ये जो पानी हमारा ये जाया नहीं जाएगा, इसका क्या करना है आपको बाद बताएंगे आखिरी में। चलिए इसे फिर हम चूल्हे पर चढ़ाते हैं, गैस को ऑन करते हैं। हमने यहाँ पे जो चीनी ली है 1 किलो कैरी के साथ हमने 300 ग्राम चीनी ली है। तो ये चीनी को हम इसमें ऐड कर देंगे। धीरे धीरे चलाएंगे जब तक हमारी चीनी घुल नहीं जाती है। ऐसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुच्छल ना बने। इसी दौरान जो हमने नींबू लिया था 1 नींबू का रस, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। दालचीनी का टुकड़ा वो भी ऐड कर देंगे। 2 छोटी इलायची इसे खोल के डालेंगे, खोल के डालिए और इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। साइड से लगे ना, तो साइड से लग गई तो साइड वाली जमने लगेगी, तो हमें इसमें जमाना नहीं है। इसीलिए हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया है ताकि हमारा शीरा है वो जमने ना पाए। यहाँ पे देखिए चीनी हमारी घुल चुकी है और हमने
हमने जो इसमें नींबू का रस डाला था उससे जो होगा कि जो मुरब्बा बॉटल में रखेंगे, शीशे के जार में रखेंगे तो वो एक साल तक भी रखेंगे तो जमने नहीं पाएगा। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ऐसे चढ़ा देंगे पकने के लिए। मिनट हमारे हो गए, देखते हैं हमारे कैरी कहाँ तक पहुंची है। कैरी का मुरब्बा थोड़ा इससे दूरी रहिएगा, ये बहुत फड़फड़ फड़फड़ कर रहे हैं। दालचीनी की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है। देखते हैं हमें इसमें एक तार बनाना है। देखते हैं इसमें तार बन रही कि नहीं बन रही। आप देखते हैं तार हमारी बन रही है। इस स्टेज पे हम इसे बंद कर देंगे और ठंडा होने देते हैं। मिलते हैं ठंडा होने के बाद। ये मुरब्बा हमारा ठंडा हो गया है और इसमें हम डालते हैं जो हमने बादाम यहाँ पर कट करके रखे हुए थे, थोड़ा सा वो डाल देते हैं। बादाम हमने पहले नहीं डाले थे, इसका जो क्रंचीपन है वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम इसको अभी डालते हैं। थोड़ा सा नारियल डाल देते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप डालने चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालिए। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। यकीन मानिए ये मुरब्बा बहुत ही मजेदार होता है। आप इसे 6 महीने तक, 1 साल तक स्टोर करके रखिए, बहुत अच्छा ये इसका रिजल्ट मिलता है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक जार लिया है। अगर आपके पास ऐसा शीशे का जार है तो आप इसमें इसको रखेंगे, हम इसमें इसको रखेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा इसका कलर आया, टेक्सचर आया है। देखिए तो हमने इसमें बॉटल में डाल दिया है और जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है उसे हम एक बाउल में लेते हैं। दालचीनी का फ्लेवर है, इलायची का फ्लेवर है, कैरी का फ्लेवर है, शक्कर एकदम परफेक्ट। फिर से एक बाइट लेते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और चलिए जो हमने इसका पानी निकाल कर रखा हुआ था उसका हमें क्या करना है बताते हैं। इसमें हमने, इस पानी में हमने चीनी डाल दी थी, हम देख सकते हैं। ये पूरा हमारा एक गिलास तैयार हुआ है। आप चाहें इसमें कोई मसाला डाल दें या काला नमक से गार्निशिंग करेंगे।
ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा। आपका ये पानी भी वेस्ट नहीं हुआ, देखिए इसका अच्छा से एक शरबत बन गया है। आप चाहें तो इसमें मैंगो एसेंस जो होता है वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंगो एसेंस नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। फिर से एक बार करके दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा। ये हमारी चटनी माशाल्लाह से तैयार है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो अगर पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली फ्रेश नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, मेरी वीडियो की फ्रेश नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।